हाय गाइस, वेलकम टू योर 11th जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपको मैं जो है फॉर लूप सिखाऊंगा इस वीडियो में, तो मैं फॉर लूप सिखाऊंगा इसको इस वीडियो में आपको। सही बोला ना मैंने? हाँ सही बोला। ठीक है, ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। फॉर लूप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इसमें एक्चुअल जो कंट्रोल स्टेटमेंट मेरे हिसाब से ये मेरा वो है कि मुझे लगता है कि फॉर लूप जो है एक्चुअली कंट्रोल स्टेटमेंट का करेक्ट जो है वो करता है, करेक्ट डेफिनेशन देता है या करेक्ट मीनिंग लगता है फॉर लूप का, क्योंकि इसमें एक्चुअली फ्लो जो है बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये प्रोग्राम, पर आपको जो है काफ़ी अच्छा लगेगा, ये मेरी आशा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने एक इंट लिया, इंटीजर लिया ए, इसको मैंने 10 कर रहा है। मैं जो है इस इंटीजर को 10 बार प्रिंट, एक्चुअली मैं इसको 1 रखता हूँ। मैं जो है 1 से लेके 10 तक जो है नंबर्स, एक्सक्यूज मी, 1 टू लेके 10 तक जो है नंबर्स देखना चाहता हूँ स्क्रीन में। सीधी सी बात है, एक के नीचे एक, दो के नीचे तीन, चार, वैसे जानी चाहिए 10 तक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी इंट को जो है, इंट ए को जो है आई किया, सॉरी ए इक्वल टू 1 किया। नेक्स्ट मैं करूँगा फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन ए ए प्लस प्लस। ठीक है, दो चीज़ें हो रही है यहाँ पे, दो चीज़ें बराबर में इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे। एक इंटीज, एक जो है I नाम का एक इंटीजर है, दूसरा है A नाम का इंटीजर। पहले इसको आपको मैं चला के दिखाता हूँ कि क्या इसका आउटपुट है करके। तो मैंने इसको सेव किया और मेरा कमांड प्रॉम्प्ट लेके आया, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। तो एक्चुअली 11 तक आ गया, वो मेरी गलती थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर मैं इस इक्वल टू को हटा देता हूँ तो शायद मुझे सही जवाब आ जाएगी। हाँ आ गया एकदम सही। ठीक है, तो अभी मेरा डिजायर्ड आउटपुट आ गया है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं यही देखना चाहता था और मुझे यही मिला और मैं बहुत खुश हूँ। क्यों मैं खुश हूँ, कैसे मैं खुश हुआ, आपको अभी सिखाता हूँ। हमने ए लिया है इंटीजर, जिसका वैल्यू है, हमने दिया उसको 1, इनिशियलाइज किया 1 के साथ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 4 के बारे में अभी मत सोचिए, मैं उसके उस पर पहुँचता हूँ। इंट का लिया, इंट मैं आई नाम का एक वेरिएबल लिया जिसका वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा 0। ठीक है, अब 4 तब तक चलेगा जब तक ये जो है ये हिस्सा जो है ट्रू रहेगा। जब तक ये हिस्सा ट्रू रहेगा तब तक ये स्टेटमेंट जो है चलाता रहेगा चलाता रहेगा चलाता रहेगा, और इसको जो है ये जो है उसको एक्चुअली कंट्रोल करता है कि ये प्लस प्लस जो आई जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे आपको बताया था मैंने, इंक्रीमेंट होता रहता है। अब ए, हाँ अभी अब क्या हुआ, इंट आई जो है ऑब्वियसली इनिशियलाइज करता है, ये जो है इसका सॉरी मुझे थोड़ा सा खांसी सा आ गया था। ठीक है, हाँ इंट आई जो है इसका इनिशियलाइजेशन है, आई लेस देन 10 जैसे मैंने आपको बताया उसका कंडीशन है, और आई प्लस प्लस जो है आइटरेशन, आइटरेशन बेसिकली रिपीट करना, रिपीट जैसे हो रहा है। तो ये फॉर तब तक चलेगा जब तक हमारा कंडीशन जो है ट्रू होगा,
जब जब आप इसका आई रिटर्न आई लेस देन 10 जो इसका फॉल्स जैसे ही आता है तब तब जो है रुक जाता है। अभी मैंने यूं बताया कि ए जो है ए को तब तक चलाते रहो, तब तक चलाते रहो जब तक आई का वैल्यू जो है 10 हो जाए, ठीक है? आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो ए तब तक बढ़ता रहेगा, आप इस पे ध्यान रहिए, और ऑब्वियसली बढ़ने के साथ ए का वैल्यू जो है प्रिंट होता ही रहता है। ए तब तक बढ़ता जाएगा जब तक आई का वैल्यू जो है 10 हो जाएगा, 10 से कम हो जाएगा। तो मतलब ए जो है 11 बार सॉरी 10 बार चलेगा, और इसलिए क्योंकि वो 10 बार चला तब हमें मिला ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? इसी के साथ मैं इस ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल को यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि फॉर में इतना ही है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा वाइल, डू वाइल और ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज़ करते हैं वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक गुड बाय।